पिछले भाग में हम भिन्न के सवाल को देख रहे थे, ठीक है। आज हम उन क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो पिछले 12-15 साल में जो आपका पेपर बना है उसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आए जो भिन्न से संबंधित है। ऐसे ही मैंने क्वेश्चन बनाया आपके लिए, एक डिब्बे में 500 अंडे है, कितने हैं 500 अंडे, 3/25 अंडे टूट गए, कितने 500 में से कितने टूट गए 3/25, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया है, तो बाकी यानी कि शेष बचे अंडों की संख्या क्या है, 80 है, 88 है, 40 है या 36 है, ठीक है। तो देखिए कितने अंडे है, 500 अंडे, उनका 3/25 अंडे टूट गए। इस प्रकार के क्वेश्चन, कई टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं भिन्न से, तो मेरा आपसे यही है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक बने रहे, तभी आप चीजों को सीख और समझ सकेंगे। तो क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से पढ़िए, एक डिब्बे में कितने अंडे हैं 500 अंडे, कितने 500 अंडे, ठीक है, और 3/25 अंडे टूट गए, किसका 500 का, तो का के लिए क्या लगा दे, गुणा 3/25, है ना, ये क्या बन गया 500 गुणा 3 और दोनों के बटे में 25, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे मेरा सुनिए, ये 500 गुणा 3 और दोनों के बटे में कौन आ गया 25, अब 25 से काटो इसको, 25 दूना 0 का 0, आपका क्या बचा ऊपर 20 गुणा 3, कितना आएगा उत्तर 60, कितना उत्तर आया 60, क्या इतनी बात समझ में आई। देखिए 25 से हमने किसको काटा 50 को, 25 दूना 1 0 और बची थी वो लगा दी 20 थी, कितना आया ये 60 क्या आया, इसका मतलब 3/25 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 60, कितने अंडे टूट गए 60, अब कितने अंडे थे 500 में से 3/25 को कैसे हल किया हमने, उत्तर क्या आया 60, यानी कि 500 में से कितने अंडे टूट गए 60, कितने बचे होंगे 440, हाँ 500 माइनस 60 करोगे तो क्या उत्तर आएगा 440, अब क्या बोला है शेष अंडों का 4/5 भाग, यानी कि 440 बचे ना, इन 440 का की जगह गुणा लगा दो, कितना भाग 4/5 भाग बेच दिया है ना, तो आप इसको हल करो, देखो 5 से कटेगा ये, बोलो 5 के पहाड़े में कितने बार में जा रहा है 8 बार, 5 8 अभी कितना 44 था ना, कितना और बच रहा था 4, फिर वापस 8 बार में, इन दोनों का गुणा करो 88 और 4 का गुणा करेंगे 8 6 32, हासिल कितना आएगा फिर 32 और 3 कितना हो जाएगा, यानी कि अब क्या मिला हमें 352, कितना मिला यानी कि 352। देखिए समझिए आप, 500 अंडे थे उनमें से 60 अंडे टूट गए तो कितने बचे 440, और 440 का भी कौन सा भाग 4/5 मतलब 352 अंडे बेच दिए, अब कितने बचे हैं आप जरा सोचिए, कितने अंडे बचे होंगे 440 में से 352, है ना, क्या लिखा है, तो यह स्पष्ट लिख रखा है शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया, 440 में से कितने बेचे 4/352 बेच दिए, कितने बेच दिए किसमें से 440 में से, पता है कितना बचेगा 10 में से 2 गया तो 8, है ना, अरे आप ऐसे कर लो इसको, ये लिखा 440 और इसमें 352 कितना बचेगा 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ कितना बचेगा 13 में से 5 गया तो 8, ठीक है, क्या उत्तर आएगा बी, क्या क्वेश्चन समझ में आया, एक बार फिर से समझ लेते हैं, एक डिब्बे में कितने अंडे हैं 500, ये आपका 2019 में प्रश्न आया था, एक डिब्बे में कितने अंडे हैं 500, 3/25 अंडे टूट गए तो हमने निकाला 500 का क्या निकाला 3/25, कितना उत्तर आया था 60, कितना उत्तर आया था 60, ये देखो 20 का गुणा 3 में करेंगे क्या उत्तर आया था 60, इसका मतलब 500 में से 60 अंडे क्या हो गए टूट गए तो कितने और बचेंगे, 500 में 60 गए कितने बचेंगे 440, तो शेष अंडों का मतलब 440 का कौन सा भाग, यहां मैंने लिख दिया 440, क्या लिख दिया, ठीक है 440 बचे ना, इसका 4/5 भाग, तो मैंने 440 का क्या निकाल लिया 4/5 भाग बेच दिया, मतलब कितना बेचा 352, कितना बेचा इसका, इसका उत्तर क्या आया था 352, क्या उत्तर आया था इसका, देखिए 88 × 4 में करेंगे ना, क्या उत्तर आया था 300, मतलब 440 में से कितना बेच दिया 352, कितना बचा 88, क्या क्वेश्चन समझ में आया, और प्रैक्टिस करते हैं आप इसको और अच्छे से, सवाल मैं दूसरा दे रहा हूं आप करके बताना है ना, चलिए प्रैक्टिस करेंगे, तो एक क्वेश्चन बनाते हैं अपन,
देखिए क्या लिखा मैंने, एक डिब्बे में कितने अंडे हैं, 100, कितने अंडे हैं, ठीक है। और मैं लिख रहा हूं एक बटे चार भाग क्या हो गया है, टूट गया है ना, एक बटे चार भाग, एक बटे चार अंडे टूट गए। क्या लिखा है देखिए, एक डिब्बे में कितने अंडे हैं, 100, एक बटे चार अंडे टूट गए। तो पहले इसको आधा हल करो, आप बताइए 100 अंडे का एक बटे चार निकालो कितने अंडे टूटेंगे, जल्दी से निकालो फटाफट। 100 का एक बटे चार निकालिए आप जल्दी से, है ना, क्या उत्तर आएगा, 100 गुणा एक बटे चार कीजिए, क्या उत्तर आया, 100 गुणा एक बटे चार क्या उत्तर आएगा आपका, 25, क्या उत्तर आएगा। देखिए एक डिब्बे में कितने अंडे हैं, 100, 100 का कितना एक बटे चार, तो चार से काटो आप, चार दूना कितना और अभी 2 और बचा 4 5 20, इसका गुणा इसमें करेंगे 25 से कम 25, एक डिब्बे में 100 अंडे थे, एक बटे चार टूट गए, मतलब कितने टूट गए, 25 टूट गए, कितने टूट गए, तो कितने बचे होंगे 100 में से 25 गए, कितने बचे होंगे, 100 - 25 कितना बचा, कितना बचेगा, 75, कितना बचेगा, ठीक है। और आगे लिखते हैं, शेष का एक बटे तीन है ना, शेष अंडों का एक और लिख देते अपन, शेष अंडों का एक बटे तीन भाग बेच दिया, कितना बेच दिया, शेष अंडों का, तो कितने बचेंगे वो, अब देखिए 75 था ना, इस 75 का क्या निकाल लो, 75 का भी कौन सा भाग, एक बटे तीन भाग, कितना आएगा, काटिए आप तीन से, तीन दूना कितना और बचा, तीन पंजे 15, अब भी उत्तर कितना आया, 25, यानी कि शेष अंडे कितने थे, 75, कितने थे, 75 का कौन सा भाग बेचा, एक बटे तीन, मतलब कितना बेच दिया, 25 अंडे, कितने बेच दिए, तो 75 में से 25 और कम कर दो, कितने बचेंगे आखिरी, 50, कितने बचेंगे, क्या क्वेश्चन समझ में आया, तो देखिए इसको अच्छे से समझ, एक डिब्बे में कितने 100 अंडे, कितने 100, और एक बटे चार अंडे टूट गए, मतलब 100 का एक बटे चार निकाला तो क्या मिला आपको, 25, तो 100 में से एक बटे चार यानी कि 25 क्या हो गए, टूट गए, तो कितना बचेगा, 100 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 75, तो शेष अंडे मतलब कितने, 75 है ना, इसका भी कितना, एक बटे पांच, तो हमने 75 का एक बटे पांच, एक बटे तीन निकाला, कितना आया था, 25, तो 75 का एक बटे तीन भाग, मतलब 75 में से कितने बेच दिए, 25, तो 75 में से 25 गया, कितने बचेंगे, 50, है ना, सरल समझ में आया ना, इस टाइप का क्वेश्चन में एक दे रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन होगा, आप करके बताएंगे, है ना, चलिए पहला क्वेश्चन नंबर एक दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ मैं, इसको आप हल करके बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार का है, एक डिब्बे में 200 अंडे, कितने 200 अंडे है ना, एक डिब्बे में कितने 200 अंडे, मैंने लिखा एक बटे चार अंडे टूट गए, क्लियर है सबको, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जो वीडियो देख रहे हैं ये सभी कमेंट बॉक्स में हल करेंगे, मुझे विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे, और ये भी विश्वास है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, ठीक है, साथ साथ हल कर रहे चीजों को। एक डिब्बे में कितने अंडे हैं, 200 अंडे, कितने अंडे 200, एक बटे चार अंडे टूट गए, शेष अंडों का एक बटे तीन भाग बेच दिया है। अब बताइए ऑप्शन नंबर ए, आपके पास 150 अंडे बचे, बी नंबर पे मैंने लिखा 100 अंडे बचे, सी नंबर पे लिखा 50, और डी नंबर पर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये जो ऑप्शन लिखे है ना इनमें से कोई नहीं, तो आपको ये क्वेश्चन पहले समझना है अच्छे से, ठीक है। 200 में से एक बटे चार अंडे टूट गए, शेष अंडों का एक बटे तीन भाग बेच दिया है, शेष बचे अंडों की संख्या 150 होगी, 150 होगी, 100 होगी, 50 होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से देख लें, वीडियो को रोक लें और इसको हल करने का प्रयास करें। 200 है, 200 में से एक बटे चार भाग टूट गया, बाकी बचे उनका भी एक बटे तीन भाग बेच दिया, अब कितने अंडे उनके पास और शेष बचे। देखिए क्वेश्चन ऐसा है, 4/5 - 3/4 का मान क्या होगा, 1/20 होगा, 1/24 होगा, 1/26 होगा, 1/28 होगा, ये आपका 1995 में क्वेश्चन बना है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 4/5 - 3/4 का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन तो हमने बेसिक वीडियो में काफी सीख रखे, तो क्या उत्तर आएगा, 5 और 4 का आप एलसीएम ले ले, कितना आएगा, 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा, इस 5 की बात 20 से कराइए, 5 कितनी बार, 5 चौक 20 कितनी बार,
तो चार चौक कितना लिख देंगे? देखो पांच कितना, पांच चौक बीस आया ना, कितना आया, ये आया ना पांच चौक बीस, ठीक है पांच और चार का एलसीएम लेंगे। चलिए तो फिर ऐसा कैसा, पांच चौक आया था ना कितनी बार में, चार बार में, तो आप ऊपर वाले चार को भी क्या कवर करना है, चार बार में, चार चौक कितना हो जाएगा सोलह। उसी प्रकार माइनस चार पंजे बीस कितना, पांच बार में, तो ऊपर भी क्या कर दो तीन पंजे कितना हो जाएगा, ये पांच तो थे अपना, कितना हो जाएगा यहाँ पंद्रह, बताइए सोलह बड़ा है कि पंद्रह, सोलह में से पंद्रह गया कितना बचा एक, बटे में कौन बीस, तो उत्तर कौन सा होगा एक बटे बीस, आया ना समझ में। ये क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर दो होगा, क्या होगा ये क्वेश्चन नंबर दो, इसको आप हल करें और मेरे को बताएं क्या जवाब आएगा। मैंने लिखा यहां पर चार बटे तीन, क्या लिखा है चार बटे तीन, और तीन बटे सात का मान निकालिए आप, जल्दी क्वेश्चन नंबर दो डालेंगे कमेंट बॉक्स में, इसका जवाब देंगे चार बटे तीन माइनस तीन बटे सात का क्या जवाब आएगा। साथ ही यदि आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से मेरा ऐप से जिसका नाम है पांचाल सर की क्लास, आप उसे जरूर डाउनलोड करें और वहां से अपनी पूरी तैयारी आप बेहतरीन ढंग से करें। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछा है, तीन बटे सात वो पांच बटे नौ का योग क्या होगा, क्या पूछा आपसे, ऐसा क्वेश्चन आया है एग्जाम में, तीन बटे सात वो पांच बटे नौ का योग क्या होगा। अब बताइए आपको क्या करना है, मैंने आपको योग बताया था, पहली बात तो अपन यहां बीच में प्लस लगा देंगे, लेकिन एक तरीका बताया था आपको इस प्रकार से गुणा करने का, कुछ याद आ रहा आपको, है ना, बताइए तीन का गुणा किससे होगा, योग करना, मतलब आप बीच में क्या लगा दो प्लस का निशान, क्या लगा दो योग, मैंने क्या होता है प्लस, तो तीन का गुणा नौ से, तो ये पहले नंबर पर लिखा है क्या, ये नहीं होगा, ठीक है तीन का गुणा किससे करना है नौ से, इसका गुणा सिखाया था ना आपको अच्छे से, सबसे पहले बिना एलसीएम करना बताया था ना, तीन गुणा नौ से होगा, फिर बताइए सात का गुणा किससे होगा पांच से, तो तीन गुणा नौ कहां मिल रहा है, यहां भी नहीं मिल रहा है, यहां भी नहीं, यहां मिल रहा था, तीन गुणा नौ मिल रहा है और पांच गुणा सात, मतलब इन दोनों का गुणा हो रहा है और नीचे वाले का नीचे वाले में गुणा हो रहा, सिखाया था ना आपको कि नहीं पता, ध्यान नहीं आ रहा, देखिए तीन गुणा नौ फिर प्लस का निशान आएगा, सात गुणा पांच बटे में क्या आएगा सात गुणा नौ, तो क्या उत्तर होगा, क्या समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ऐसे बने हैं, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं अपन इस स्टेप, देखो मतलब सबसे पहले तो इन दोनों का गुणा किया किसका तीन गुणा नौ, फिर इन दोनों का गुणा किया किसका पांच गुणा सात, और लास्ट में इन दोनों का गुणा किया किसका सात गुणा नौ, क्या बात समझ में आ रही है। इस प्रकार से भी बिन अब तुम लोगों ने क्या करा होगा, इसका एलसीएम लेके इसको हल करने का प्रयास किया, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ पूछा नहीं, इसलिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन हल करे ना तो पूरा क्वेश्चन पढ़े, वो आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है, तो यहां पर इसका उत्तर क्या आएगा तीन गुणा नौ फिर बीच में प्लस का निशान, सात गुणा पांच या पांच गुणा सात और बटे में सात गुणा नौ, क्या समझ में आई बात, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इस टाइप का है, सोलह सही एक बटे पांच, क्या लिखा है सोलह सही एक बटे पांच गुणा सोलह सही चार बटे पांच, बीच में क्या लगा रखा है गुणा लगा रखा है, हमने बेसिक वीडियो में कई सारे क्वेश्चन ऐसे सीखे हैं, ठीक है, तो सोलह सही एक बटे पांच का गुणा करना सोलह सही चार बटे पांच में, इसका क्या मान होगा, ये 1993 में क्वेश्चन आया है, इसको आप हल करके मेरे को बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर तीन है आपके लिए, क्या है क्वेश्चन नंबर तीन है, इसको आप हल करके बताएंगे, है ना, इस क्वेश्चन नंबर तीन को आप जल्दी से हल करके बताओ तो क्या जवाब आएगा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर तीन डालना है आपको और उसको हल करना। देखिए पहला उत्तर 256 बटे 256 सही एक बटे पांच, 256 सही चार बटे पच्चीस, 276 सही चार बटे पच्चीस या 272 सही चार बटे पच्चीस, एबीसीडी में से जो ऑप्शन होगा आप हल करके बताएंगे इसका जवाब क्या आएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी बना है एक बार कि एक बटे दो के तुल्य भिन्न होगी, मतलब तुल्य का मतलब होता है इसके बराबर कौन सी भिन्न है इन चारों में से, एक बटे दो के तुल्य भिन्न होगी, तीन बटे नौ होगी, पांच बटे पंद्रह होगी, पांच बटे दस होगी, दस बटे तीस, क्या लग रहा है आपको बताइए आप, एक बटे दो के तुल्य भिन्न क्या दिख रही है, अगर इसको हम काटते जीरो जीरो तो एक बटे तीन दिख रही, दस एक यू भी काटो ना, दस एकम दस, दस दिया क्या उत्तर आ रहा, एक बटे तीन कहां इसके बराबर कहां, ये तो एक बटे दो है, पांच बटे कैसे, पांच एकम पांच दूनो ये भी है क्या,
नहीं। क्या उत्तर आएगा इसका? पांच एकम पांच तिया ये तीन एकम तीन तिया तो कौन सा है तुल्य बिंदु कौन सी थी? पांच बटे एक क्वेश्चन दे रहा हूं कर देंगे आप। चलिए तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर चार बनाया। इस वीडियो का कौन सा क्वेश्चन नंबर है? चार। तीन बटे आठ है ना कि तुल्य भिन्न होगी, तीन बटे आठ के तुल्य भिन्न मतलब इसके बराबर कौन सी भिन्न है? नौ बटे सोलह है, छह बटे चौबीस है, छह बटे सोलह है या कोई नहीं है? तो आप इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। नौ बटे सोलह, छह बटे चौबीस या छह बटे सोलह, क्या उत्तर इसका आ रहा है? तीन बटे आठ की तुल्य भिन्न ढूंढिए आप, इन चारों में से कौन सी होगी? ठीक है, क्या है? तीन बटे आठ, नौ बटे सोलह, छह बटे चौबीस, छह बटे सोलह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको हल कीजिए, हल करने का प्रयास करें, उत्तर आ जाएगा आपका। देखो अब आपको मेरे को एक चीज और सिखानी थी, इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हैं। तो मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखा पंद्रह का तीन बटे पांच कितना होगा, यहां बराबर लिख दिया पंद्रह का तीन बटे पांच है ना। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना, दोनों तरीके से इसको हम कल करेंगे। पंद्रह का तीन बटे पांच, तो आप क्या करते हैं हमेशा पंद्रह का की जगह क्या लगाते? गुणा, यहां क्या लिखेंगे? तीन बटा पांच। तो क्या उत्तर आएगा जरा हल करो? पांच से किसको काटे? कितना आएगा? तीन तिया कितना आ रहा है? मतलब जवाब क्या आया? पंद्रह का तीन बटे पांच क्या हो रहा है? नो हो रहा है पंद्रह। ये तो ऐसा सवाल आता ना आपको, पंद्रह का तीन बटे पांच कितना होता है? नो। अगर इसको चेंज कर दें, मैं आपसे यहां कुछ नहीं लिख रहा हूं, मैं आपसे यहां पर कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया एक्स का, किसका लिख दिया? एक्स का तीन बटे पांच बराबर नो होता है, मतलब यहां क्या आना चाहिए? पंद्रह आना चाहिए। तो पंद्रह कैसे निकाले हम? एक्स का तीन बटे पांच बराबर नो, यानी कि एक्स का मान कितना होगा? तो आप क्या करेंगे? एक्स गुणा तीन बटा पांच। क्या पांच से एक्स कटेगा? नहीं कटेगा ना, बराबर में क्या लिखा हुआ मिल रहा है? नो। तो आप क्या करेंगे? संख्या संख्या एक तरफ करेंगे, इसको बोलते हैं पक्षांतर करना। तो एक्स तो यही रह जाएगा, ये नो था ना। अब बताइए अगर ये ऐसा होता, पांच नहीं होता, तो गुणे वाला कहां जाता? बटे में। वेरी गुड, कहां जाता? भाग में जाता। लेकिन यहां तो बटे में कौन है? पांच है। इसका मतलब तीन के बटे में पूरा पूरा जाएगा ना ये भाग में, तो कैसा दिख रहा है? नौ बटे तीन बटे पांच, ऐसा दिख रहा ना, एक अलग से दिख रहा ना। तो हमें क्या करना फिर? इस पांच को कहां भेजना है? ऊपर भेजना है। कहां भेजना है? क्या इतनी बात समझ में आई? तो आप क्या लिखेंगे? देखिए यहां क्या तीन बटे पांच था, तो नौ के बटे में कौन आ गया? तीन। लेकिन इसके बटे में कौन है? पांच। तो ये कहां पहुंच जाएगा? यहां से पांच कहां पहुंचेगा? ऊपर। इसको कहां लिख देंगे? गुणा लगा के कहां लिख दो? ऊपर। तो बताइए एक्स के बराबर कितना दिख रहा? नौ गुणा पांच बटे तीन। इसको हल कर दो, तीन से किसको काटे? तो बताइए क्या आएगा? और तीन का गुणा पांच में करेंगे कितना आ जाएगा? तीन पंजे, क्या बात समझ में आई है ना? ऐसा एक्स बराबर कितना आ गया? पंद्रह आ गया। देखिए मैंने लिखा 20 का एक बटे दो, क्या? अरे 20 का आधा कितना होता है? 20 का एक कितना आएगा? 10 आएगा। देखो इसको हल कर लेते पहले है ना, 20 गुणा एक बटा दो, आप दो से काटो किसको? दो एकम दो, शून्य वापस लिख दो, क्या बचेगा? 10 एकम, तो 20 का एक बटे दो कितना आया? 10 आया। अगर यहां से आप हटा दे हम 20 को, और मैं लिख रहा हूं एक्स का, क्या लिख रहा हूं? एक्स का। किसी संख्या का एक बटे दो कितना होता है? दस होता है। तो वो एक्स की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करेंगे? एक्स गुणा एक बटा दो बराबर क्या लिख देंगे? दस। तो देखिए एक्स को यही रहने देते हैं, ये बराबर लगा के दस लिखते हैं, यहां कौन था गुणे में? एक बटे दो। तो बताइए पहले कौन आएगा? एक, ऐसा है ना एक बटे दो, कैसा है? तो ये दो कहां लिखना पड़ेंगे? ऊपर लिखना पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा ये? दस दो ना बटे में एक, तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या उत्तर आया? एक से बराबर 20। अब जो क्वेश्चन आया है ना उसको हम हल करते हैं, ठीक है, दो टुकड़े में हल करेंगे उसको भी। देखिए क्वेश्चन कैसा आया है, 1994 में आया है। किसी संख्या का दो बटे तीन भाग 66 66 है, कितना है? किसी संख्या दी नहीं है, संख्या का दो बटे तीन भाग कितना आ रहा है? 66। तो उसका नौ बटे ग्यारह भाग क्या होगा? आपसे डबल क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले इसको हल करें, तो इसके चार ऑप्शन है, 80 होगा, 81 होगा, 82 होगा, है ना। इस प्रकार से इसके कितने ऑप्शन दिए? चार ऑप्शन दिए है ना, मतलब 80, 81, 82 और 83।
तो किसी संख्या का, तो आप संख्या क्या मान ले, एक्स क्या मान ले, एक्स का की जगह क्या लगा दे, गुणा, कितना, दो बटे तीन, यानी किसी संख्या का, तो इसको क्या मान लिया हम, एक्स मान ली, एक्स का दो बटे तीन भाग, बराबर में क्या लिख दो, इतना हो रहा ना, किसी संख्या का दो बटे तीन भाग कितना हो रहा, 66 हो रहा। आप बताइए एक्स यही रह जाएगा तो ये 66 इधर बराबर से था, यहां कौन आएगा, यहां कौन था, दो बटे तीन, तो बटे में कौन आएगा, गुणे वाला है ना, तो भाग में जाएगा, तो नीचे क्या लिख दूं, ये सब दो बटे तीन ऐसा लिखेंगे ना, तो ये तीन कहां पहुंचा देंगे फिर हम ऊपर। अब बताइए दो से क्या काटेंगे, दो तिया और फिर तो एक से बराबर क्या आ जाएगा, 33 का गुणा तीन में करेंगे कितना आ जाएगा, 99, यानी कि 99 का पहले समझ लेते हैं, 99 का दो बटे तीन भाग छाछठ हो रहा, चेक कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पर करते हैं, किसका, 99 का, ये लिखा मैं 99, इसका गुणा कर दिया दो बटे तीन का, तो आप काटो, तीन से काटेंगे, तीन तिया नौ, फिर तीन तिया नौ, 33 का डबल कितना होता है, हो रहा ना 33 का डबल, यानी कि हमारा 99 बिल्कुल सही है, लेकिन क्या पूछा है, तो उसका 9/11 भाग, यानी कि 99 का 9/11 भाग निकालो, आप क्या करो, तो ये लिखा 99 गुणा 9/11, तो 11 से काट दो पूरा पूरा, 11 नाम 99, तो 9 का गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा, 81। क्या क्वेश्चन समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन पूछा था, किसी संख्या का 2/3 भाग 66 होता है, तो हमने क्या माना, x का 2/3 भाग कितना, 66, ठीक है, तो x की वैल्यू निकली कितनी, 99, तो उसका 9/11 भाग, 99 का भी 9/11 भाग निकाला, तो क्या आया, कितना आया, 81 आया। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, तो मैंने एक प्रश्न बनाया आपके लिए, है ना, मतलब ये आया हुआ है, 1996 में आया है, किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, ये मैंने लिखा है आपके लिए, ठीक है, किसी संख्या का 1/3 भाग क्या है, 800 है, तो उसका 2/5 भाग क्या होगा, वो 560 होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 670 होगा, ऑप्शन नंबर सी 980, ऑप्शन नंबर डी 960, क्वेश्चन नंबर 5 डालना है, आप कॉपी पेन लेकर तो बैठे हैं, ठीक है ना, आप हमेशा ईमानदारी से प्रयास कीजिए तो हम जरूर सफल होंगे, ठीक है, हम अपने प्रति ईमानदार रहे, अपने काम के प्रति ईमानदार रहे, प्रैक्टिस करने में बिल्कुल ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे तो सफल हो जाएंगे, किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है तो उसका 2/5 भाग क्या होगा, तो उसी पैटर्न से करें जो पिछले दो क्वेश्चन मैंने आपको हल करवाए, उससे आप जवाब देंगे, 560 आएगा, 670 आएगा, 980 या 960 आएगा, ठीक है, साथ ही वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको आप लाइक जरूर करें और इस चैनल को आप फॉलो करें ताकि आपको बहुत सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं, वो सभी टाइम टाइम पर आपको मिलते जाए, तो हल करो इसको, किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है उसका 2/5 भाग क्या होगा, तो आपको और भी कई सारे वीडियो देखने पड़ेंगे तब जाके आपको चीजें समझ में आएगी, बेसिक वीडियो को पहले देखें, फिर आपके मानसिक योग्यता वाले क्वेश्चन है जो डिजाइन या आकृतियां उनको हल करें, ठीक है, और मेरा यही आपसे कहना है कि आप प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, आप जरूर सफल हो जाएंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।